का लिए बहुत अच्छा सूत्र है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व के लिए एक ऐसा सूत्र है कि अगर यूएनओ टकराव टालिए अपना एक जो इंटरनेशनल रिलीजन, इंटरनेशनल पॉलिसी बना दे तो 210 कंट्री आज विश्व में, उनमें कोई टकराव नहीं होगा। और टकराव नहीं होगा तो हमारे जितने भी 80% हर देश सिक्योरिटी के ऊपर जो है धन खर्च करता है, 20% पब्लिक के डेवलपमेंट पे करता है। क्यों करता है? टकराव को टालने के लिए कि हमारे पे कोई भी हमला ना कर दे। और पुलिस इसलिए रखी जाती है कि लोगों का समुदाय झगड़ा ना कर दे। अगर हम दादा भगवान द्वारा प्रणीत जो टकराव टालिए का सूत्र है जीवन में डाल दें, यानी हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करें, तो स्त्री स्त्री की प्रतिक्रिया नहीं करें, पुरुष पुरुष की प्रतिक्रिया नहीं करें, यानी कोई हमें बात कहता है हम सुन लेते हैं, उसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें तो टकराव टल जाता है। लेकिन सामने वाला एक बात कहता है, हम दो सुनाते हैं, वो नेले पे देला मारता है, चार सुनाता हम आठ सुनाते हैं, टिट फॉर टैट होता है, नेले पे देला होता है, तो हमारा ये टकराव बढ़ जाता है। और उसको प्रथम दृष्टवा पहले स्ट्रोक के अंदर हमने उसको टाल दिया, और हमें किसी ने गाली दी और हमने उसका जवाब नहीं दिया तो गाली उसके पास वापस चली जाएगी। यानी हर परिस्थिति में व्यक्ति को टकराव टालने का सिद्धांत पालन करना चाहिए। पालन करने से व्यक्ति में टकराव नहीं होगा, परिवार में नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़ी सबसे छोटी इकाई है विश्व की। तो उससे जो है अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छा विश्व बनेगा।